और जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ पुलिस ने मस्जिदों के पास सुरक्षा को कड़ी कर दिया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और सभी धर्म गुरुओं से बातचीत कर शांति कायम करने को लेकर अपील की गई है। कानपुर में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पूरे यूपी में आज शुक्रवार को सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लखनऊ की ये टीले वाली मस्जिद है और उसके आसपास का ये इलाका है, भारी फोर्स यहाँ पे तैनात है। आप देखेंगे वाटर कैनन भी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं। हमारे साथ चिरंजीव सिन्हा हैं जो ACP हैं। किस तरह के इंतज़ाम आज यहाँ? जुमे की नमाज पर वैसे भी हम फोर्स का डिप्लॉयमेंट रखते हैं, लेकिन हाँ, हमने अपनी जो फोर्स को ऑगमेंट किया है यहाँ पे, हमने पूरे पश्चिमी जोन को 9 सेक्टर और 36 सब सेक्टर में बांटा है। हम सोशल मीडिया को कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई अफवाह कहीं किसी प्रकार की ना हो। दूसरी बात कि जहाँ पर ऐसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ हमने ड्रोन से भी सर्विलांस किया है, और जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जो कैमरे हैं उनको भी हमने ऑपरेटिव मोड पे रखा है। हम ऑपरेटिव हैं और वो हमें यहाँ से कंटिन्यू फीड भी देंगे। यहाँ पर हमने सभी धर्म गुरुओं से बात की है, जिन्होंने कि अपने अपने संदेश के द्वारा शांति व्यवस्था को कायम रखने हेतु निर्देशित किया है। व्यापार मंडली से बात किया है। आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक पूरी तरह से कंटिन्यू है, हमारी दुकानें खुली हुई हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, सक्रियता सर्वोत्कृष्ट स्तर पे हो यह हमने सुनिश्चित किया है। इसी के तहत आज हम टीले वाली मस्जिद पर हैं और इसी तरह की सारी मस्जिदों पर, जो इंपॉर्टेंट मस्जिदें हैं और जो छोटी मस्जिदें हैं, सभी पर हमने अपनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पूरे टाइम क्या ड्रोन से निगरानी आज की जा रही है? क्या कुछ छतों पर पत्थर मिले हैं जिनको हटाया? नहीं, हम ड्रोन से तो निगरानी कर ही रहे हैं। यदि ड्रोन का, चूँकि वो हाइट से जब देखता है, यदि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हमें आपत्तिजनक प्राप्त होती है, हमने उसको फौरन वहाँ से हटवा भी दिया। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वाटर कैनन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, और क्या क्या इंतजाम? देखिए, वाटर कैनन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, वज्र वाहन है, और साथ में हमारी जो यूपी पुलिस की जो RRF है और PAC है, उसको डिप्लॉय किया गया है, ताकि एक कॉन्फिडेंस लोगों के मन में जाए कि सब कुछ अच्छा है और प्रशासन सतर्क है। यह जो कॉन्फिडेंस को जागरूक करने का जो माध्यम है, इसके तहत ये सारे उपाय किए गए। तो इस तरह से ये टीले वाली मस्जिद के चारों तरफ पुलिस आपको दिखेगी, और टीले वाली मस्जिद ही नहीं, लखनऊ की करीब 500 से ज़्यादा मस्जिदें हैं जहां पर आज सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। ड्रोन से, जैसा कि ACP ने बताया कि निगरानी की जा रही है, जो कुछ छतों पे पत्थर थे उनको हटवाया गया है। और सिर्फ लखनऊ नहीं, पूरे यूपी में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, कई जगह धारा 144 लागू कर दी गई है, और ख़ास तौर से कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, काशी, आगरा, संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन इलाकों में ज़्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। और साथ में नेपाल से जुड़े जो ज़िले हैं, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ये सारे इलाके शामिल हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और पूरी कोशिश यही है कि आज जुमे की नमाज शांति से हो जाए। कैमरामैन मनोज के साथ रुचि कुमार, India TV, लखनऊ। India TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें India TV News Google Play Store या App Store पर।